नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के एसडीएम चांसलर सुबोध कुमार ने रविवार को मीरापुर में बीएलओ के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की मतदाता पर्ची का खुद वितरण किया। मतदाता पर्ची का समय से वितरण हो, इसके लिए एसडीएम सुबोध कुमार लगे हुए हैं। एसडीएम ने रविवार को कस्बा मीरापुर में बीएलओ के साथ लोकसभा चुनाव की मतदाता पर्ची का घर घर जाकर वितरण किया। एसडीएम चांसलर सुबोध कुमार ने बीएलओ को निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कार्य करने की बात कहते हुए कहा कि मतदाता पर्ची का थोक वितरण नहीं किया जाएगा। सभी मतदाता सूचना पर्ची मतदाता या उसके परिवार को ही दी जाएगी। साथ ही जिस समय मतदाता पर्ची दी जाएगी उस वक्त बीएलओ मतदाता से सूचना पर्ची पाने का भी हस्ताक्षर कराएगा। और कहा कि यदि कोई बीएलओ पर्ची वितरण का कार्य खुद ना कर किसी अन्य से कराता पाया गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में लोकसभा क्षेत्र 4 बिजनौती में 19 अप्रैल को मतदान प्रस्तावित है, जिसके दृष्टिगत माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्चियों का और मतदाता गाइड का वितरण किया जा रहा है। आज मेरे द्वारा सभी बीएलओ का यहाँ निरीक्षण भी किया गया और स्वयं भी मैंने कई मतदाताओं के पास जाकर उनको स्वयं पर्चियां दी हैं, उन परिवारों को मतदाता गाइड दी है और उनसे आग्रह किया है कि भाई अपनी जो मतदाता गाइड है उसमें जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें स्वयं पढ़ें और परिवारजनों को पढ़ाएं और मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें। यही सबसे मेरा अनुरोध भी रहेगा कि आगामी 19 अप्रैल को सभी मान्य मतदाता मतदान में प्रतिभाग करें। सर, आपके द्वारा बूथों का भी निरीक्षण किया गया, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं बूथों का? क्योंकि इलेक्शन हमारा नज़दीकी है तो बूथों पर जो थोड़ी बहुत लगभग व्यवस्थाएं पूर्ण हैं, पर लगातार भ्रमणशील लेकर जो व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं हैं उनको पूर्ण करने के निर्देश बीएलओ सुपरवाइजर को दिए जा रहे हैं। उसी के दृष्टिगत आज मेरे द्वारा ही बूथों का निरीक्षण भी किया गया। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।